ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। सोनभद्र में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क की दुर्व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शन में पार्टी के जिला सचिव प्रमोद यादव ने भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि खराब सड़कें लोगों के लिए जान का खतरा बन गई हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोनभद्र में सर्विस लेन सड़क की जर्जर स्थिति के खिलाफ नारेबाजी की। प्रमोद यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की अनदेखी के कारण सड़कें खस्ता हाल हो चुकी हैं। उन्होंने स्कूल के बच्चों को और एम्बुलेंस की आवाजाही में मुश्किलों का जिक्र किया। पार्टी की महिला सभा की जिला अध्यक्ष गीता गौर ने कहा कि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी ने जनता में आक्रोश बढ़ा दिया है। पूर्व नगर सचिव मनीष त्रिपाठी ने कहा कि सोनभद्र की सड़कें अत्यंत खराब हैं और अधिकारी समस्या के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। पीड़ा क्यों नहीं सुनते हैं डीएम साहब, जनता की पीड़ा, मुख्यालय की जर्जर सड़कों को लेकर लगातार बच्चे चोटिल हो रहे हैं। उसी रास्ते से डीएम एसपी तमाम मंत्रीगण जनप्रतिनिधिगण आते जाते हैं, लेकिन जनता की पीड़ा समझने वाला कोई नहीं है। और सरकारी विद्यालय से लेकर प्राइवेट विद्यालय तक हैं, लेकिन जनता की पीड़ा समझने वाला कोई नहीं है। और डीएम साहब को लगातार अवगत कराया गया है मुख्यालय की जो जर्जर सड़कें हैं, लेकिन डीएम साहब उदासीन हैं जर्जर सड़कों को लेकर। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर दंडवत प्रणाम करके डीएम साहब को भी जगाने का काम किया कि ये जो जर्जर सड़कें हैं माननीय, इसको ठीक कराया जाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी एक हफ्ते के अंदर बृहद आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। मुख्यमंत्री ने आदेश किया हुआ है कि जल्द से जल्द सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, क्या लगता है मुख्यमंत्री के भी आदेशों के? देखिए, देखिए, अगर सत्य कहा जाए तो ये सौगात है। ये मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं कि गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, जब जब मुख्यमंत्री जी का ये आदेश आता है तो हमको लगता है कि अधिकारियों का चांदी हो जाता है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।